की हाल चाल मित्रों, आई होप कि आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, बहुत ही जानकारी से भरा होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज के इस वीडियो में हम आपके किचन में मौजूद एक ऐसी औषधि के बारे में बताने वाले हैं जो कि पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। बहुत ही पावरफुल दवा है, बहुत सस्ती मिलती है, शायद अभी भी हम सभी के घर में मौजूद होगी, किचन में मौजूद होगी, लेकिन इससे होने वाले फायदों के बारे में हमें नहीं पता है, इसी कारण हम इसका सेवन नहीं करते हैं। लोग इसका उपयोग भी करते हैं अपने भोजन में, अपने मिठाइयों को बनाने के दौरान, बहुत सारी डिशेज में इसका उपयोग होता है, लेकिन ठीक ढंग से इसका उपयोग ना करने के कारण इससे होने वाले मैक्सिमम फायदों से वो वंचित रह जाते हैं। मित्रों, हम बात कर रहे हैं लौंग की। इसके बारे में राजीव दीक्षित सर ने भी बहुत बार चर्चा की है कि लौंग हमारे किचन की कितनी अचूक और कितनी पावरफुल औषधि है, कितनी उत्कृष्ट औषधि है, जो कि हमारे बहुत सारी बीमारियों को बहुत ही आसानी से दूर कर सकती है। खास करके पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिन पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या कम है, वीर्य कम बन रहा है, जिनको नपुंसकता है, उसमें ये औषधि बहुत ज़्यादा काम करती है। हम आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं लौंग में कितने ऊंचे ऊंचे यानी कितने बड़े बड़े औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसके बारे में शायद हम सभी को जानकारी भी नहीं है। मित्रों, इसमें बहुत सारी इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जैसे इसमें एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। साथ इसमें पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम, आयोडीन, विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे बहुत सारे इसेंशियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी मात्रा में होती हैं। मुझे लगता है शायद एलोपैथिक मेडिसिन में कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं होगी जिसमें इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती होंगी, लेकिन हम इसका सेवन ठीक ढंग से नहीं करते हैं, इससे होने वाले फ़ायदों के बारे में नहीं जानते हैं। साथ ही हमारे घर में जो चीज़ें मौजूद होती हैं ना, जो चीज़ें सस्ती होती हैं, हमारे आसपास मौजूद होती हैं, अक्सर हम उसकी कद्र करना भूल जाते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। मित्रों, ये बहुत अचूक दवा है, इसका उपयोग करें और बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे फायदे होंगे। वर्तमान समय में अस्पताल जाना बहुत ही ज़्यादा घातक है हम सभी के लिए, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग चल रही है, लोग सर्दी जुखाम के नाम से, पेट दर्द के नाम से अस्पतालों में एडमिट हो रहे हैं, लोगों की किडनियाँ, लीवर, हार्ट निकाले जा रहे हैं और लोगों को मृत घोषित कर दिया जा रहा है। तो वर्तमान समय में हमें अपने घर को ही औषधालय बनाना पड़ेगा, औषधि का घर बनाना पड़ेगा। हमारे किचन में बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा काम आ सकती हैं, बशर्ते हमें थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। नियमित रूप से हमारे बताए गए तरीके से रोज़ाना इसका सेवन करिए, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के इसका आपको बहुत अच्छा परिणाम मात्र 5 से 7 से 10 दिनों के भीतर आपको देखने को मिलेगा, बशर्ते आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। तो चलिए बात कर लेते हैं लौंग के सेवन से होने वाले कुछ फ़ायदों के बारे में। साथ ही वीडियो के लास्ट में हम बताएंगे आपको किस तरीके से पुरुष भाई लोग इसका उपयोग करें ताकि इससे उनकी नपुंसकता दूर हो, शुक्राणुओं की संख्या बढ़े, वीर्य बढ़े, स्पर्म काउंट बढ़े, क्वालिटी बढ़े, क्वांटिटी बढ़े, जिससे वो लोग बहुत ही कम समय में बच्चों के बाप बन पाएंगे। बहुत सारे ऐसे पुरुष भाई लोग हैं जिनके वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम हो जाती है, जिससे वो लोग संतान पैदा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन मात्र इसके 2 से 3 महीनों के सेवन से आप पाएंगे कि बिना किसी एलोपैथिक दवा के, बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी साइड इफेक्ट के, आप इतने वीरवान बन जाएंगे, आप संतान पैदा करने योग्य हो पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लौंग के सेवन से कौन कौन से फायदे होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, दांत के दर्द में बहुत ज़्यादा काम आता है, यदि दांत में कीड़े लगे हैं तो उस दौरान बहुत ज़्यादा काम आता है, यदि आपके मुंह में दुर्गंध बार बार आती है यानी पायरिया वगैरह हो गया है, दांत सड़ जाते हैं या फिर दांत सड़ना शुरू हो गए तो उस दौरान इसका तेल बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर आप लौंग को भी चूस चूस के खा सकते हैं, जिससे इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो कि आपके मुंह से बैक्टीरिया, वायरस, फंगल इन्फेक्शन को दूर करती हैं। साथ ही यदि आपके गले में खराश है या फिर गले में भी बैक्टीरिया, वायरस, संक्रमण हो गया है तो उस दौरान इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। साथ ही यदि आपको सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, नज़ला है, ये छोटी मोटी बीमारियों में हमारे किचन की ये सबसे ऊंची औषधि मानी जाती है, इसका उपयोग करें। इसकी चाय बना करके पी सकते हैं, बहुत सारे तरीकों से इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मात्र 4 से 5 दिनों के इस्तेमाल से, बशर्ते मैं बार बार यही कहूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी है। यदि आपको बार बार उल्टी आती है, यदि आप ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं तो उस दौरान यदि आपको बार बार उल्टी आने की समस्या है तो उस दौरान अपने साथ लौंग को लेकर जाएँ, लौंग को चूस चूस कर इसका सेवन करें,
उल्टी वगैरह की समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, यदि आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई है, यानी खाना ठीक ढंग से पचता नहीं है, मंदाकिनी कमज़ोर हो गई है, पाचक रस नहीं बनता है जिससे कब्ज वगैरह बनने लगती है, पेट ठीक ढंग से साफ नहीं होता, तो उस दौरान भी इसका सेवन करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है, घुलनशील फाइबर होता है, जो कि हमारे खाने को पचाने में, पेट में पाचक रस को अधिक मात्रा में बनाने में, जिससे खाना पचता है, शरीर को लगता है, तो दुबले पतले लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिसको कब्ज़ वगैरह बनती है उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, यदि आपको एसिडिटी वगैरह बहुत ज़्यादा बनती है तो उसमें इसका उपयोग करो, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अगले फायदे की बात करें तो सिर दर्द में ये बहुत ज़्यादा उपयोग में लाया जाता है, यदि आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, तनाव बहुत ज़्यादा लेते हैं काम करने की वजह से, हमेशा सिर में दर्द होता है, तो उस दौरान इसका सेवन करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। ये मूड को ठीक करता है, यानी ब्रेन में एक केमिकल होता है डोपामीन, इसकी कमी से हमारे शरीर में, हमारे ब्रेन में तनाव बढ़ जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो ये हमारे ब्रेन में डोपामीन नामक रासायनिक पदार्थ को अधिक मात्रा में इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, उसका स्राव करता है, जिससे मूड अच्छा होता है, तनाव वगैरह दूर होता है, हेडेक और सिर दर्द जैसी बीमारियां दूर होती हैं। ठीक है, साथ ही कील मुहासे दाग धब्बों को दूर करने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, साथ ही इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यदि आप लंबे समय तक जवान दिखना चाहते हैं तो उस दौरान भी इसका उपयोग आप कर सकते हैं। साथ ही ये श्वसन तंत्र को सुधारने में, उसे सुचारू रूप से चलाए रखने में ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, यदि आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, दमा के मरीज़ हैं, अस्थमा के मरीज़ हैं, तो उस दौरान इसका उपयोग करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। साथ ही यदि आपके जोड़ों में दर्द है, घुटनों में दर्द होता है, नसें ब्लॉक हो गई हैं, तो उस दौरान भी इसका सेवन करना काफ़ी अच्छा माना जाता है, इसमें कैल्शियम पोटेशियम अच्छी मात्रा में होता है, जो कि हमारे हड्डियों में आए कैल्शियम की कमी की पूर्ति करता है, हड्डियों को पोषित करता है, जिससे कैल्शियम की कमी मात्र कुछ ही महीनों में पूरी हो जाती है, वो भी नेचुरल तरीके से बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो मित्रों, ऐसे ही ढेरों सारे फायदे हैं, लौंग के बहुत सारे फायदे हैं, इसका उपयोग करना शुरू करो, बहुत सारे अद्भुत रिजल्ट्स आपको मात्र कुछ ही दिनों में देखने को मिलेंगे, बशर्ते हमें थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखने को तैयार है तो इसका नियमित रूप से सेवन करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पर कि पुरुषों को किस तरीके से इसका सेवन करना, ताकि उनके शरीर में आए नपुंसकता को वो दूर कर सकें, शुक्राणुओं की कमी की पूर्ति कर सकें, क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ा सकें। मित्रों, रोज़ाना मॉर्निंग में खाली पेट आपको लौंग का तेल लेना है, आप मार्केट से खरीद सकते हैं, शुद्ध लौंग के तेल का इस्तेमाल करें, हो सके तो आपको करना है 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी में आपको 1 बूंद लौंग का तेल खाली पेट लेना है, नियमित रूप से मात्र 1 महीने इस्तेमाल करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राजीव दीक्षित सर ने भी इसके बारे में बहुत बार बताया है, इसका उपयोग करो, अष्टांग हृदयम पुस्तक में इसके बारे में जानकारी दी गई है कि पुरुषों के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ये। ठीक है, तो इस तरीके से इसका उपयोग करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ ही इसके साथ साथ शुक्राणुओं को तो पुष्ट करेगा ही, वीर्य को तो पुष्ट करेगा ही, साथ ही बलवर्धक भी होता है, हमारे हड्डियों को, हमारी मांसपेशियों को पोषित करता है, पुष्ट करता है, जिससे दुबले पतले लोग हष्टपुष्ट और बलवान बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे रोगों में ये बहुत ज़्यादा काम आता है, लेकिन यदि पुरुष भाई लोग इस तरीके से इसका सेवन करें तो डेफिनेटली इससे उनको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जानकारी हमें आपको देनी थी, आई होप कि आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, इसी तरीके की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल हेल्थ इन आयुर्वेदा को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियोज़ अपलोड करें तुरंत आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे इसी तरीके के एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिए। ठीक है, तो चलो, ठीक है, चलो, जय श्री राम, जय श्री राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, चलो ठीक है, बाय बाय।